उज्जैन में रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों को चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया और इसके बाद महिला खुद भी कूद गई। महिला को वहां तैनात कांस्टेबल ने ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। तीनों ही सुरक्षित बताए जाते हैं। दरअसल महिला जल्दबाजी में गलत ट्रेन में चढ़ गई थी। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने पहले बच्चों को फेंका और उसके बाद खुद की भी जान दांव पर लगा दी। पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। जीआरपी ने कांस्टेबल महेश कुशवाहा को इनाम देने की घोषणा की है। ये घटना शनिवार सुबह 6:30 बजे उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की है। यहाँ एक शख्स अपनी पत्नी और 2 बच्चों को लेकर स्टेशन पहुंचा। उन्हें सीहोर जाना था। वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच गए जबकि उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आनी थी। पति टिकट लेने चला गया और इतने में जयपुर नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। पत्नी जल्दी से बच्चों के समेत ट्रेन में चढ़ गई और ट्रेन चल दी। महिला को अंदर पता चला कि वह गलत ट्रेन में है। घबराहट में महिला ने पहले अपने 4 साल और फिर 6 साल के बेटे को चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया और इसके बाद खुद भी कूद गई। वहां मौजूद जीआरपी कांस्टेबल महेश कुशवाहा ने जब महिला को ऐसे करते हुए देखा तो उन्होंने महिला को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। यही नहीं, दोनों बच्चों को भी अलग किया। ट्रेन में से किसी यात्री ने उनका सामान भी बाहर फेंका। अच्छी बात यह रही कि तीनों ही सुरक्षित हैं। जब महिला का पति वहां आया तो उसने पत्नी को डांट लगाई। उनको ज्ञात हुआ कि मैं गलत ट्रेन में चढ़ गई हूं, तो चलती गाड़ी में उन्होंने उनके बच्चों को एक बार वन बाय वन बाहर फेंका। उन्होंने तो मेरे द्वारा उन दोनों बच्चों को भी बाहर बचाया उनको। बाद में वो तो महिला खुद भी कूद गई, जो बिल्कुल पटरी के अंदर जाते जाते बच्चे उसको भी मैंने खींचा और बाहर निकाला।